दिस इज अकाउ, दिस इज नॉट अकाउ, इज दिस अकाउ, इज दिस नॉट अकाउ, व्हाट इज दिस अकाउ, व्हाट इज दिस नॉट अकाउ, दैट इज अकाउ, दैट इज नॉट अकाउ, इज दैट नॉट अकाउ, व्हाट इज दैट अकाउ, व्हाट इज दैट नॉट अकाउ। दोस्तों एक छोटा बच्चा भी इस तरह से सेंटेंस बोल सकता है दिस और दैट का, आप भी बोल सकते हो। इस वीडियो के अंत होने से पहले, इस वीडियो को एंड होने से पहले आप भी इस तरह से सेंटेंस बोलोगे। दोस्तों जिसको ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं आती वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में सबसे इजी तरह से ट्रांसलेशन बनाना सिखा रहा हूँ आपको, और जिसको आता है वो भी देखेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस को छः तरीके से मैंने बताया है। आप भी दुनिया में किसी भी सेंटेंस को छः तरीके से बना सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आज की वीडियो में गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको ट्रांसलेशन बनाने आ जाएगा। मैं आपका दोस्त शैलेश पांडे आपके अपने ही चैनल RW&S इंग्लिश यानी कि रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और सीखता हूं वो छः तरीके जो दुनिया में किसी भी सेंटेंस को छः तरीके से बना सकते हैं। चलिए पहला तरीका देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस है, यह एक सेब है। इसका सेंटेंस आप ये नहीं बना सकते, यह का हो जाएगा दिस, एक का हो जाएगा ए, सेब का हो जाएगा एप्पल, और है का हो जाएगा इस। ये गलत है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का अगर सेंटेंस आपको दिख जाए तो आपको ये जो ऊपर संख्या दिया गया है, पहले आपको बनाना है यह का हो जाएगा दिस, दूसरा बनाना है का हो जाएगा इस, तीसरा बनाना है एक का हो जाएगा ए या एन होगा, ध्यान से देखना शेप क्या है, चौथा है शेप, शेप का होगा एप्पल, एप्पल क्या है वावेल है, वावेल के साथ आपको एन लगाना है तो हो जाएगा एन एप्पल, आप ए एप्पल नहीं करेंगे, आपको लगाना है एन एप्पल। यह एक शेप है, इसका सेंटेंस आप बनाएंगे दिस इज एन एप्पल। इस तरह से आपको यहाँ देखिए दैट मिस होता है वह, टी एच आई एस दिस मिस होगा, यह ए मिस होता एक, एन कहाँ प्रयोग होगा ए ई आई ओ जो वॉवेल के साथ अगर होगा तो वहाँ एन लगाएंगे, जैसे एन एप्पल हो गया। एन ओ टी नॉट मिस नहीं होता है, आई एस इज मिस है होता है, डब्ल्यू एच टू वाट मिस क्या होता है। दोस्तों यहाँ आपको सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस को आपको अपने खुद से करना है। आपको जैसे यह एक कलम है, क्या हो जाएगा दिस इज ए पेन, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए कैट, दिस इज ए बुक, दिस इज ए लायन, दिस इज ए ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, आपको छह तरीके आपको अच्छे से समझने हैं। दूसरा तरीका यह है, यह एक शेप नहीं है। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको दिख जाए तो आपको पहले बनाना है यह का यानी कि दिस, दूसरा है का बनाना है इज, तीसरा नॉट का बनाना है, नहीं का बनाना है नॉट, चौथा बनाना है आपको एक का बनाना है, तो यहाँ सेब है तो एन हो जाएगा, फिर एप्पल का हो जाएगा सेब। ठीक है तो हो जाएगा दिस इज नॉट एन एप्पल, यह एक सेब नहीं है। फ्रेंड्स यह एक कलम नहीं है, यह एक कुत्ता नहीं है, एक बिल्ली नहीं है, एक किताब नहीं है, एक शेर नहीं है, यह एक संतरा नहीं है, इसको आपको खुद करना है, अपने से करना है। क्या यह एक सेब है, अगर इस तरह का सेंटेंस आपको दिख जाए तो आपको बता दूं सेंटेंस में शुरू में क्या का इंग्लिश नहीं बनेगा, आपको सबसे पहले है का बनाना है जो हो जाएगा इस, यह का बनाना है दूसरा हो जाएगा दिस, तीसरा एक का बनेगा एन, सेब हो जाएगा एप्पल। तो क्या यह एक सेब है, सेंटेंस हो जाएगा इज दिस एन एप्पल। फ्रेंड्स यहाँ आपको अपने से करना है, क्या यह एक कलम है, ऊपर आपको ये संख्या दिया जा रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको खुद से करना है। और देखिए नीचे क्या यह कुत्ता है, क्या यह बिल्ली है, क्या यह किताब है, क्या यह शेर है, क्या यह संतरा है, इसको अपने से आपको करना है। ध्यान देना दोस्तों, अगर सेंटेंस में चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। देखिए ये नंबर चार, चौथा तरीका आपको सीखना, क्या यह एक सेब नहीं है।
अगर इस तरह का सेंटेंस आपको कहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, शुरू में क्या कहा था आपको बनाना ही नहीं है, सबसे पहले है का बनाना है जो हो जाएगा इज, उसके बाद यह का बनाना हो जाएगा दिस, तीसरा नहीं का बनाना हो जाएगा नॉट, चौथा एक का बनाना हो जाएगा एन, सेब का बनाना है एप्पल। जो वस्तु है वस्तु का इंग्लिश बिल्कुल लास्ट में आपको लगाना है, तो क्या यह एक सेब नहीं है, हो जाएगा इज दिस नॉट एन एप्पल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए ये तरीका तो आपने सीख लिया है, तो इसका एग्जाम्पल भी आपको करना है, क्या यह कलम नहीं है, क्या यह कुत्ता नहीं है, क्या यह बिल्ली नहीं है, क्या यह किताब नहीं है, क्या यह शेर नहीं है, क्या यह संतरा नहीं है। पर आपको ये संख्या दिया गया है, आपको इस संख्या के तरीके से आपको बनाना है। फ्रेंड्स इसमें जब क्या क्वेश्चन वाला वर्ड अगर बीच में आ जाते हैं, सबसे पहले हमको उसको बनाना है, हो जाएगा व्हाट, उसके बाद है का बनेगा इज, फिर यह का बनेगा दिस, फिर एन एप्पल, एप्पल लगा देना। ठीक है, तो जगह व्हाट इज दिस एन एप्पल। इसी तरह से आपको ये सब सेंटेंस बनाने हैं, यह क्या एक कलम है, यह क्या एक कुत्ता है, यह क्या एक बिल्ली है, यह क्या एक किताब है, यह क्या एक शेर है, यह क्या एक संतरा है। ये लास्ट तरीका है नंबर 6 का, यह क्या एक सेब नहीं, यह क्या एक सेब नहीं है, इस तरह का सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले आप बनाएंगे क्या का जो हो जाएगा व्हाट, उसके बाद है का बनेगा इज, उसके बाद यह का बनेगा हो जाएगा दिस, उसके बाद आपको बनाने हैं नंबर 4 नॉट नहीं का, पांचवा हो जाएगा एक का हो जाएगा एन, सेव का हो जाएगा एप्पल। तो सेंटेंस आपका था यह क्या एक सेब नहीं है, इंग्लिश में हो जाएगा व्हाट इज दिस नॉट एन एप्पल, और लास्ट लगाने हैं क्वेश्चन मार्क। सबका एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तो इसका भी एग्जाम्पल आपको खुद से करना है, यह क्या एक कलम नहीं है, यह क्या एक कुत्ता नहीं है, यह क्या एक बिल्ली नहीं है, यह क्या एक किताब नहीं है, यह क्या एक शेर नहीं है, यह क्या एक संतरा नहीं है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना।